अज असी साडे छोटे भरा पिंदू जौहल क्योंकि वर्ल्डवाइड स्कोप वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान ने इन्होंने सानूं अज इनवाइट किया। मैं उदा फस्ट टाइम आया करदे तां बड़े लंबे समय तो यह जिहड़े कि मानवता का जिहड़ा एक भला करन वाली चीज़ है वो बड़े लंबे समय तो करदे आ चलते आ रहे ने, पर अज फस्ट टाइम आया मैं इत्थे इन्हां दे इस फंक्शन दे विच और इत्थे आके बड़ा मन नूं सुकून होया। एक बाबे नानक की राह ते तुरन वाले लोग ने जिहड़े मानवता दे विच एक प्रेम और प्यार की भावना रखते ने, क्योंकि अगर जिदा वाणी विच भी लिखे है भी जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो, तो मेरा कहने का मतलब यह है भी ये लोग अगर मानवता नाल प्यार करते आ तो प्रभु नूं भी ये उन्ना ही प्यार करते होणगे। सो मैं सारे अपने इन भरावां नूं जिन्हें भी इस वर्ल्डवाइड स्कोप वेलफेयर सोसायटी के मैंबर सवान ने उन्हां सारयां नूं बहुत बहुत वधाइयां दिंदा भी तुसीं इह जिहा उपराला करके आम मानवता दे विच प्यार दा जिहड़ा संदेश देण जा रहे हो। ये बाबा नानक हमेशा तुहाडे उत्ते चढ़दी कला च रखे और परमात्मा हमेशा तुहाडे अंग संग साई रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जी देखो ये बड़ी चंगी गल है, मतलब इतना वधिया की हो नहीं तो क्योंकि समाज में एक सेध देने वाली गल है, क्योंकि जो जिहड़ा ये वितकरा हैगा बेटे और बेटी का वो इस तरीके दे जिहड़े तुसी कम करोगे तो वो हौली 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 जिहड़ी हैगी आ वो इस जिहड़ी वितकरेबाजी वाली चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह आ पहला जिहड़ी तुसी गल कही है कि घर का फंक्शन आ जिहड़ी चीज़ दे विच बंदे दी रूह होवे ना वो मेरा ख्याल आ कि वह कदे भी उस काम नूं करन लई तुहाडा जोर नहीं लगता। इत्थे तक मैं कहना कि जे तुसी कम भी इहो जिहा कोई करदे आ जिहड़ा तुसीं दिलों चाहुंदे आ करना तां फिर वो कम नहीं रहिंदा, फिर वो इबादत बन जाता है। और ये जिहड़ी वर्ल्ड वाइड स्कोप वेलफेयर सोसाइटी आ ये बहुत सालों तो दहाके तो 12-13 साल तो समाज सेवी कामों के अपना योगदान पा रही है, कल्ली पंजाब च नहीं पा रही क्योंकि जिहड़े पंजाब के वसनीक आ उन्हां नूं सिर्फ पंजाब का योगदान ही दिसदा आ, जिहड़े यूके दे वसनीक आ उन्हां नूं कल्ला यूके का ही योगदान दिसदा आ, जां जिहड़े कल्ली होर कंट्रियां दे विच आ उन्हां नूं उत्थे दा योगदान दिसदा, पर ये सारी दुनिया दे विच जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपना योगदान पाउंदी आ, चाहे वह फ्री डिस्पेंसरियां आ, चाहे वह इलाज आ, चाहे वह खूनदान कैंप आ, चाहे वह धियां दी लोहड़ी आ, जां वह लोड़वंद परिवारां दे विआह आ, बच्चियां बच्चियां दे विआह आ। ते दूजी गल इह कि जिहड़ा हुण कल दा फंक्शन आ इह हरेक साल फंक्शन हुंदा आ, पर इस साल मैं इह जिक्रयोग गल हैगी आ के पिंदू जौहल सतनाम सिंह बाड़ा अमरीक सैनी यूके तो सोसाइटी के जड़े तुसी कह सकते हैं कि धुरे आ पिंदू जौहल वो 22 साल बाद इत्थे पंजाब आए आ। सो ऑबवियसली ये फंक्शन बाकी सालों नालों भी हुण प्रोमिनेंट ज़्यादा होना आ, ते मैं यही सद्दा दिना आ सारे सज्जणा नूं कि तुसी हुम हुम आके पहुँचो, धियां की लोहड़ी कल नूं 5100 लोहड़ी पैनी आ धियां की, ते बहुत सारे कलाकार आ रहे, मंगी माल हो रही इतने पहुँच रहे, देवी मखसूसपुरी हो रही पहुँच रहे हैं, मेरे बड़े भरा मनमोहन वारस जी पहुँच रहे हैं, मैं खुद इतने पहुँच रहा, होर भी बहुत आर्टिस्ट इतने पहुँच रहे हैं। और दूजी गल ये आ कि असी ये जिहड़ी बराबरता साड़ी समाज की मैं कितने ना कि वेखदा रहना आ कि शिव ने लिखा सी किहड़े देश दित्ती ती बाबला होए जिथे लोगों दुख की सार है ना, पिंडे वेचने ते पिंडे मुल लैने हड मास तो वध व्यापार है ना कोई ना। मैं कहना कि जिहड़ी बराबरता आ वो तां ही होनी आ जे जद तक खास करके मुंडे ये समझण कि कुड़ियां नूं बराबरता मिलनी चाहीदी है। सो इस करके इहदे विच हर एक बंदा हर एक वर्ग इस फंक्शन का हिस्सा बने तां कि ये जिहड़ी बराबरता साडे समाज दे विच आ वो कल्ली लफ्ज़ां दे विच ना होवे, वो क्रियात्मक रूप दे विच भी होवे। सो कल नूं तुसीं हुम हुमा के सारयां ने पहुँचना।